हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की वीडियो में बात करेंगे WWE लेजेंड गोल्डबर्ग की। जी हां, गोल्डबर्ग को रेसलिंग में 20 साल पूरे हो चुके हैं, तो उन पे तो वीडियो बनती थी। आज इस वीडियो में बात करेंगे गोल्डबर्ग की कुछ तेरे अनसुनी बातों के बारे में जो शायद आप ना जानते हो। आपको बता दें, गोल्डबर्ग ने साल 1997 में WCW से रेसलिंग की शुरुआत की थी। गोल्डबर्ग आज 50 साल के हैं। 20 साल पहले गोल्डबर्ग ने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था, कई टाइटल जीते, ना जाने कितनी स्पीयर्स और जैक हैमर से विरोधियों को पस्त किया, वीडियो गेम का हिस्सा बने और फिर वापस लौटकर रसलमेनिया का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 14, पिछले दो दशकों में ऐसे प्लेयर हुए हैं जो या तो बचपन में या स्कूल कॉलेज में फुटबॉल खेला करते थे, बट गोल्डबर्ग का पहला प्यार फुटबॉल था और 24 साल की उम्र में वो नेशनल फुटबॉल लीग NFL से जुड़े। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने NFL के साथ फुटबॉल खेला। एक मैच के दौरान वो इंजर्ड हुए थे और NFL कैरियर का उनका अंत हो गया। इसके बाद इत्तेफाक से वो रेसलिंग से जुड़े। नंबर 13, अंडरटेकर की रसलमेनिया स्ट्रीक से सब वाकिफ होंगे जो कि ब्रॉक लेसनर के द्वारा टूटी थी, बट गोल्डबर्ग के नाम भी 173 जीत का रिकॉर्ड है। 1997 में आगाज करने के बाद लगातार उन्होंने 173 जीत हासिल करी। ये रिकॉर्ड साल 1998 में आके रुका जब केविन नैश ने गोल्डबर्ग को हराया था। नंबर 12, रेसलिंग के बाद या उसके साथ साथ कई सुपरस्टार का पॉडकास्ट खोलना मानो परंपरा सी हो गई है, जिसमें स्टीव ऑस्टिन, क्रिस जेरिको, एज, मिक फॉली, क्रिस्टिन जैसे नाम हैं। इनके साथ ही गोल्डबर्ग का खुद का पॉडकास्ट है जिसका नाम है हु नेक्स्ट विद गोल्डबर्ग। इस पॉडकास्ट में गोल्डबर्ग अपने फैन से बातें करते हैं और किसी बड़ी हस्ती का इंटरव्यू भी होता है। नंबर 11, गोल्डबर्ग ने एक बार बेसबॉल मैच में शिरकत की जहां मैच शुरू होने से पहले चार लोग होते हैं, कुछ सेलिब्रिटी और पूर्व प्लेयर जो कि मैच शुरू होने से पहले पिच पे पहली बार बॉल फेंकते हैं जो कि किसी सेलिब्रिटी द्वारा फेंकी जाती है। गोल्डबर्ग ने यहां एक लड़की की तरफ इशारा करा जो कि कैमरामैन की एक्टिंग कर रहा था, उसको एक स्पीयर मार के उन्होंने फील्ड में चित्त कर दिया था। नंबर 10, रेसलिंग सुपरस्टार मूवीज में भी दिखते हैं जिसमें से रॉक सबसे सफल नामों में से एक हैं, बट गोल्डबर्ग ने भी काफी मूवीज में काम करा है जिसमें से उनकी फेवरेट हॉरर मूवी सांता स्ले है जिसमें उन्होंने एक हत्यारे सांता क्लॉस की भूमिका निभाई थी। नंबर 9, गोल्डबर्ग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। वो अमेरिका में एक सोसाइटी के मेन मेंबर भी हैं जहां जानवरों पे होने वाले अत्याचारों को रोका जाता है। गोल्डबर्ग बिल्लियों को बहुत प्यार करते हैं, उन पे 3 बिल्ली हैं और एक बकरी है जिसका नाम गोटबर्ग है। नंबर 8, एक रेसलर को फेमस बनने के लिए उनका नाम महत्वपूर्ण होता है। गोल्डबर्ग ने रेसलिंग की शुरुआत एक अलग नाम से की थी, वो नाम बिल गोल्ड था। नंबर 7, साल 2003 में गोल्डबर्ग की क्रिस जेरिको से बैक स्टेज लड़ाई हुई थी। जी हाँ, कभी कभी रेसलर में किसी बात को लेके बैक स्टेज भी लड़ाइयाँ सुनने को मिलती हैं जो कि टेलीकास्ट नहीं होती हैं। उनमें से एक है क्रिस जेरिको और गोल्डबर्ग के बीच। दोनों में पहले किसी बात को लेके कहासुनी हुई और फिर क्रिस जेरिको ने गोल्डबर्ग पे हमला करा और इस लड़ाई में क्रिस जेरिको भारी पड़ गए थे गोल्डबर्ग पे। नंबर 6, NFL में इंजरी के बाद उनका NFL में लौटना मुश्किल हो गया था, बट वो कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। गोल्डबर्ग के ऊपर ये कहावत सही साबित हुई। एक दिन स्टिंग और लेक्स लुगर दोनों की नज़र गोल्डबर्ग पे पड़ी जब वो जिम कर रहे थे। दोनों ने उन्हें रेसलिंग में आने के लिए कहा और ये सुझाव काम कर गया। नंबर 5, गोल्डबर्ग कार के बहुत शौकीन हैं, वो भी विंटेज कार्स, मीन पुरानी कार्स का कलेक्शन। इनके पास 25 से ज़्यादा कार्स हैं जिसमें प्लायमाउथ बारकुडा, सुपर बॉस 429 मस्टंग और एक शेल्बी कोबरा 427 शामिल हैं। नंबर 4, जैसा कि मैंने बताया, गोल्डबर्ग NFL में थे, उससे पहले गोल्डबर्ग जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में थे जहां उनके ग्रेड बहुत अच्छे आते थे। उन्होंने डिसाइड करा था फिजियोलॉजी में डिग्री लेने का, बट अचानक NFL में मिले मौके के चलते उन्होंने इस आइडिया को पीछे ही छोड़ दिया। नंबर 3, रेसलिंग की दुनिया में रेसलर्स को अंदाज़ा भी नहीं होता कि इंजरी कब हो जाए, जैसा कि बहुत से रेसलर्स के साथ हुआ भी है। इन इंजरी की वजह से बहुत से रेसलर के तो करियर ही खत्म हो गए। एक समय गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रेट हार्ट के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को लेके मैच चल रहा था, बट अचानक गोल्डबर्ग की एक किक से ब्रेट हार्ट को गंभीर दिक्कत का सामना करना पड़ा, इतनी गंभीर कि उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। कहा जाता है कि गोल्डबर्ग की वजह से उनका करियर खत्म हो गया था। नंबर 2, मैंने बताया था कि गोल्डबर्ग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं जिसके चलते वो प्योर वेजिटेरियन हैं। इनका प्यार उन्हें जानवरों को खाने की इजाज़त नहीं देता। आप जो गोल्डबर्ग की बॉडी देखते हैं वो सिर्फ शाकाहारी खाने की वजह से है। उनका मानना है कि किसी और का मीट खा के कोई कैसे फिट रह सकता है। नंबर 1, गोल्डबर्ग को केवल 6 सुपरस्टार पिन कर पाए हैं जिसमें केविन नैश, स्कॉट स्टेनर, बुकर टी, ब्रेट हार्ट, ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर शामिल हैं जो गोल्डबर्ग को डायरेक्ट पिन कर पाए हैं। किसी और की हेल्प से या कुछ और वजहों से करा हो तो उनकी बात मैं इसमें नहीं कर रहा।
तो ये थी गोल्डबर्ग से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। आपको बता दूं, अभी हाल ही में गोल्डबर्ग के 20 साल पूरे होने पे उनसे पूछा गया कि आप वापसी अब कब करेंगे, तो गोल्डबर्ग ने कहा है कि इस बार मुझे देखने को आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस बयान से ऐसा लगता है कि जल्दी गोल्डबर्ग की वापसी होने वाली है। ये गोल्डबर्ग के फैंस के लिए अच्छी खबर होगी। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर मारो, और डायरेक्ट ऐसी अपडेट हिंदी में पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।